जहां धोखे से ही सही श्वेता क्रिश को अपना बनाना चाहती है, वहीं क्रिश श्वेता से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता है, पर श्वेता क्रिश से उसका मोबाइल छीनना चाहती है, जिसमें क्रिश ने सबूत इकट्ठे किए हुए हैं श्वेता के खिलाफ, ताकि उसे श्वेता से मुक्ति मिल सके। और दोनों के बीच की धक्के मुक्की में श्वेता से गलती से क्रिश को खुली खिड़की से बाहर धकेल देती है, और जब तक श्वेता अपने आप को संभाल पाती है, तब तक तो क्रिश जाकर सीधे रोड पर जा गिरता है, और संजोग से ऑटो में प्रेरणा आती रहती है और क्रिश को ऐसी हालत में देखती है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती। आधी रात को अब घर में भी एक भूचाल सा आया हुआ है, जहां सबके मोबाइल में क्रिश का कबूलनामा वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए सुन रहे हैं, जिसमें वो सामने से ये बोल रहा है कि श्वेता ने जबरदस्ती की है उसके साथ और रेप किया है उसका, और क्रिश वाकई में बहुत ही परेशान नजर आ रहा है। अब सब कोई प्रेरणा को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्रिश का तो फोन ही नहीं लग रहा, और अब तो धारा भी आती है नीचे जैसे तैसे। और तभी जब सब जाने वाले होते हैं हॉस्पिटल में क्रिश को ढूंढने, अचानक देखते हैं कैसे प्रेरणा क्रिश को कंधे से पकड़कर घर के अंदर लेकर आती है, जिस हाल में क्रिश लहू लुहान है और उसे सर पर जोर की चोट आई है। अब श्वेता क्या सफाई देगी परिवार के सामने, या फिर एक बार और रफू चक्कर तो नहीं हो जाएगी, ताकि इस जुल्म की सजा से बच सके। पर ये सब के बीच अब श्वेता नया मोहरा किसको बनाएगी, चीकू या नताशा? देखते रहिए पांड्या स्टोर्स की अपडेट्स, क्योंकि श्वेता जब जब पांड्या निवास और स्टोर छोड़ के गई है, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर ही गई है।